मेरा नाम हाजी असलम उल्ला उर्फ सब्बू भाई, मैं बिल्थरा बलिया का रहने वाला हूँ। मैं लोक जन समाज पार्टी से, उसी लोकसभा से प्रत्याशी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। वही महंगाई का मुद्दा है, केवल महंगाई, हाँ, और शिक्षा है, हॉस्पिटल है, बिजली है, ये सब की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और व्यवसाय पे तो सरकार भी वादा कर रही है, बड़े बड़े सरकार तो बहुत वादा किए हैं। वो सरकार वो अपना वादा कर रही है, इस वादे के लिए आप सब आदमी जानता है कि वादा में क्या होता है, जो कि कई चीजें ऐसी है कि जो कि वादा करके भी काम नहीं हो पाता। लेकिन मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जो कहे हैं वो 100% सही उतरेंगे, ये मेरा कोई चाह नहीं रहा है कि हम विकास करें। कल्पनाथ राय एक मर्द आदमी था, उसने जितना मऊ के लिए किया, अगर वो यही माननीय मुलायम सिंह ने, जैसे ही कल्पनाथ ने यहाँ वादा किया कि कमिश्नरी बना के देंगे, उससे पहले उलिया के रात ही रात आजमगढ़ में कमिश्नरी बनाने लिए मुलायम सिंह मिनिस्टर थे, उसने वो लिया के घोषित कर दिए, नहीं तो कल्पनाथ राय यहाँ लिया के कमिश्नरी बना ही दिए होते। फिर उसके बाद कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं उसके बाद। क्या वजह लगती है भाई? अभी तो हम पूछे थे, लोग कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देती, तो कभी कुछ कभी कुछ, यही तो सब बातें होती है। लेकिन यहाँ के लोग काम करने को पसंद नहीं, काम करने वाले लोगों को नहीं। तो आपकी नजर में जितने प्रत्याशी वो काम करने वाले नहीं है इन पार्टी? ये तो आप लोग पहले भी देखे हैं, एक हमारे एमपी साहब थे ही, और एक तो हमारे राष्ट्रीय ओम प्रकाश के लड़के ही हैं, उन्होंने बारे में सब जान ही रहा है। संजय ये राजू राय भी हैं, तो ये भी दो दो बार के हारे हैं। जब ऐसा कोई काम कोई करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो जनता जिसको चाहेगी उसको जनता बनाएगी। इतनी सारी पार्टियां लड़ी, बालकृष्ण बसपा से लड़ रहे हैं, राजू राय से पार्टी लड़ रहे हैं, गठबंधन से उसके बावजूद को कैसे आप सेन मारी करेंगे? वो हमको सेन नहीं मारना है, वो जनता खुद हमको चुन ले रही है जी। वो जनता चाह रही है कि हम आए। काफी दिग्गज नेता, हाँ, आपकी आशीर्वाद से हम दिग्गज नेता तो हैं। भाजपा से सेटिंग नहीं हुआ है? नहीं नहीं, हमारी पार्टी किसी से न समझौता की है और न हम लोग करने वाले हैं। सोच रहे हैं आप लोग समाजवादी पार्टी का ही कट जाए कुछ? नहीं, समाजवादी तो वोट कटे न कटे, लेकिन समाजवादी कहीं भी अपनी वो जो दी है वो कहीं कामयाब नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज का अपना बहुत बड़ा वोट बैंक मानती है समाजवादी पार्टी, कैसे देख रहे हैं आप अल्पसंख्यक? हाँ सर, 40 साल अगर मुसलमान हमसे खुल के आके बात करें तो, या अखिलेश सिंह बात करें, अखिलेश यादव जी बात करें, तो हम बता दें 40 साल में मुसलमानों के साथ किए क्या है, इसका जवाब हमको वो दे देना। कुछ आज तक कोई नहीं किया है, मुसलमानों को काट के पुल्लू की तरह घुमाए हैं। आज मुसलमान सब जान गए हैं सब कि इनको क्या है, फिर भी उन्हीं के साथ रहते हैं? नहीं, कोई नहीं, अब धीरे धीरे सब कट रहा है। मुसलमान कह रहे हैं कि भाजपा में सुरक्षित नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि उससे अच्छी कहीं भाजपा सरकार थी कि हम सुरक्षित। लेकिन चर्चे में करने वाले माननीय, हर चीज में वो करने वाले माननीय अखिलेश सिंह, मुख्तार अंसारी की मौत की तरह सरकार। भाई देखिए, मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, डॉक्टर के हिसाब से वो उनको हार्ट अटैक के दिखाया गया है। अब वो लोग कोई क्या कह रहा है, कोई ना हम लोग डॉक्टर हैं ना हम लोग जेल के अंदर थे कि हम लोग जाने कि इनको क्या दिया जा रहा है, तो हम उस चीज को क्यों चर्चे में करें? राजनीतिक पार्टियां भी उसे चर्चा बनाई हुई है भाई। देखिए, जिसको जैसी मर्जी वो बनाएगी, हमारी पार्टी साफ सुथरी है, वो इस सब चीज में पखंड नहीं करना चाहती, जनता के मुद्दे पर काम करेंगे जी। हाँ, सुनने में आ रहा है।